प्रदेश में मौसम की करवट के साथ ही अस्पतालों में मरीजों की संख्या अब बढ़ने लगी है। राजधानी के सरकारी अस्पताल में इन दिनों डेंगू मलेरिया के मरीजों की संख्या में इजाफा देखने को मिल रहा है। डॉक्टर अखिलेश जैन ने बताया कि अस्पताल में इन दिनों जुकाम खांसी के साथ साथ डेंगू मलेरिया के मरीजों की संख्या में भी इजाफा हुआ है और बढ़ती मरीजों की संख्या को देखते हुए अस्पताल में अतिरिक्त डॉक्टर लगाए गए हैं। डॉक्टर जैन ने बताया कि मलेरिया और डेंगू की रोकथाम के लिए सबसे पहले आमजन को जागरूक होना पड़ेगा और गर्मी के कारण घरों में जिस तरह कूलर चालू हो गए हैं और ऐसे में कूलर में गंदा पानी इकट्ठा नहीं होने दें। गंदा पानी इकट्ठा होने से उसमें मच्छर पनपते हैं और जिससे मलेरिया और डेंगू के मरीजों की संख्या में इजाफा होता है। अस्पतालों में आने वाले मरीज और उनके परिजनों को भी जागरूक किया जा रहा है। निश्चित रूप से हमारे यहाँ इस समय जिस तरह के मरीज आ रहे हैं मेडिसिन विभाग में, उनमें हमारे जो मरीज हैं उनमें ये जो बुखार है, खांसी है, या जिनमें वो जिनको शिवरिंग होना, इस तरह के सिम्टम्स काफ़ी उनको मिल रहे हैं। लेकिन जहाँ तक चिकित्सा व्यवस्था का सवाल है, हमारे पास पर्याप्त मात्रा में स्पेशलिस्ट और मेडिकल ऑफिसर्स हैं और चूंकि हमारे यहाँ सारी स्पेशलिटीज़ हैं, तो अगर उनको कोई और किसी तरह की भी समस्या होती है तो उनको हम रेफ़र करते हैं और उनका पूरा इलाज होता है। और बड़ा महत्वपूर्ण बात ये भी है कि उनकी जितनी भी दवाइयाँ या जाँचें हैं, जो भी संबंधित जाँचें हैं, वो सब हमारे यहीं हमारे इंस्टीट्यूट में ही होती है। तो मरीजों को किसी भी तरह की परेशानी किसी भी बीमारी से संबंधित हो, वो हम